केवल D1 गैप में K का डायलेक्ट्रिक भरा है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ वैक्यूम है, तो हमें इसको 3 कैपेसिटर के इक्विवेलेंट मानना चाहिए। एक X गैप का कैपेसिटर, एक D1 गैप का कैपेसिटर फिल्ड विद K, एंड एक अगर पूरा गैप D का है तो ये बचा हुआ गैप D-X-D1 का। अगेन यहाँ भी कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो ऐसे 3 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन सोचा जा सकता है। एरिया सबका एक जैसा होगा, तो पहले का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए बाई एक्स होगा, C2 एप्सिलॉन ए के बाई D1 होगा, एंड C3 एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई D-D1-X होगा। अगर हम तीनों का इफेक्टिव लाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन से लाना होगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, D1 ऊपर चला जाएगा, हम देखेंगे कि ये एक्स जो मैंने अपने मन से कंसीडर किया था, अगर मैं इस टर्म और इस टर्म को ऐड करूंगा तो ये एक्चुअली में 2 कैपेसिटर का इफेक्टिव नजर आ रहा है, यानी ये फर्स्ट एंड थर्ड कैपेसिटर को मर्ज करके हम लोग एक कैपेसिटर सोच सकते हैं जिसका गैप D-D1 का है, और सेकेंड कैपेसिटर जिसमें K का डायलेक्ट्रिक है और D1 का गैप है। यानी हम 3 के बजाय चीज़ों को 2 में भी सोच सकते हैं, और 2 के कॉम्बिनेशन से सी इफेक्टिव लाएंगे तो भी आ जाएगा।